चलो आज हम सेक्शन 40 का कुछ बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने जो खत्म किया है वो कई सारे सेक्शंस खत्म किए थे। मैं ये सारा सेक्शंस बार बार रिवाइज भी करता था। सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32, 32 AD, फिर उसके बाद 35, 35 AD, 35 CCA, 35 CCC ट्रिपल सी और 35 CCD, फिर 35 D, फिर 35 DDA। ये सारे सेक्शंस पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 35 खत्म होने के बाद सेक्शन 36 का कुछ बात जिक्र किए थे और हमने बीच में सेक्शन 37 छोड़ रखा है। ये सारा बात खत्म होने के बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, 40 फिर आएगा, 44 तक जाएंगे हम लोग। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये सारा चीज़ बताने के बाद फिर एक मिसलेनियस क्लास लूँगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारा बात बोलूँगा, सारा बात आपको बोला जाएगा कि और क्या क्या प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में और क्या क्या बात रह गई, छोटी छोटी बातें जो बीच बीच में रह गई मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में आते हैं वो सारा चीज़ को हम पहले सलटा लेते हैं, फिर बाकी का जो बात है हम देखेंगे, ठीक है। उसका क्लास का नाम दिया जाएगा मिसलेनियस क्लास और वो लास्ट क्लास ही होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं सेक्शन 40। अब देखो सेक्शन 40 है क्या, इन एडमिसेबल डिडक्शन, मतलब आपको पूरा डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इन एडमिसेबल डिडक्शन मतलब डिडक्शन जो डिसअलाउ है, ठीक है। आप डिडक्ट कर ही नहीं सकते, आप डिडक्शन ले ही नहीं सकते। इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन फुलफिल होने पर डिडक्शन अलाउड, वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो तो डिडक्शन नॉट अलाउड। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहली बात बोलता है सेक्शन 40A क्लॉज ए का बात करता है। देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि कोई भी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल, जिसको पे करना है, पेबल लिखा है, विच इज पेबल, पे करना है मतलब पेमेंट करने से पहले का बात करता है, विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, किसको पे करना है, कोई ऐसा बंदा को, कोई ऐसा असेसी, कोई ऐसा पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया में, या नहीं तो इन इंडिया, इंडिया में देंगे टू ए नॉन रेसिडेंट, किसी पर्सन को इंडिया में देंगे, आउटसाइड इंडिया में दे सकते हैं या नहीं तो इंडिया में देंगे, किसको दिया जाएगा, टू ए नॉन रेसिडेंट, नॉन कॉरपोरेट और टू ए फॉरेन कंपनी। क्या हो गया, इन इंडिया टू ए नॉन रेसिडेंट, नॉन कॉरपोरेट और टू ए फॉरेन कंपनी। इंडिया में देंगे वो कौन होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, यानी तो कंपनी नहीं होगा, नॉन कॉरपोरेट होगा, या नहीं टू ए फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी को अगर हम पे करते हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, जितना हम पे करेंगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। कब, ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर, कौन सा हो गया, 17B, एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन, अच्छा, एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, सब बताऊंगा समझाऊंगा भी। और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). इसका मतलब सर क्या हुआ, सुनिए, मान लीजिए कोई फीस आप दे रहे हो, मान लो कोई टेक्निकल सर्विस देने के लिए आया था फॉरेन से एक पर्सन, आप उसे फीस दिए, टेक्निकल फीस दिए, कितना, मान लीजिए उसे दिया गया 5 लाख रुपया, कितना दिया गया, 5 लाख रुपया दिया गया। गवर्नमेंट बोला है, गवर्नमेंट बोलता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इस सेक्शन को समझाने के लिए, गवर्नमेंट बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको TDS जो है डिडक्ट करना है। वो क्या होता है सर, सुनिए बच्चे, वो क्या होता है बताता हूं।
जब गवर्नमेंट बोलता है जब ये 5 लाख आप किसी नॉन रेसिडेंट को देते हो तो पे करने से पहले 10% उसके बिहाफ में, किसके बिहाफ में, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ में टैक्स डिडक्ट कर लेना। तो इसका 10% कितना होगा, 5 लाख का 10% कितना होगा बच्चे, 50,000। और ये 50,000 जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना। हाँ सर, क्या करना, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना। तो अगर आपने 5 लाख पे किया, पे करने से पहले ये 50,000 रुपया इससे क्या करना है, डिडक्ट करना है। मतलब नॉन रेजिडेंट को जो अल्टीमेटली देना है वो कितना देना है बच्चे, 4,50,000 देना है, और जो 50,000 रहा ये गवर्नमेंट को देना है। नॉन रेजिडेंट टैक्स देता, लेकिन आप नॉन रेजिडेंट को पे करने से पहले आप उससे टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करने के बाद उसको बाकी रिमेनिंग पे करेंगे, उससे जितना आप डिडक्ट किए 50,000 रुपया वो गवर्नमेंट को पे करेंगे एज ए टैक्स। बात समझ में आई? हाँ सर। तो इसे बोलते हैं, ये जो 50,000 रुपया आपने डिडक्ट किया इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड। अब ये सोर्स क्या था, फीस था, इसलिए बोला बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका पूरा चैप्टर है बच्चे जो लिखा था 17XVII, टीडीएस का एक चैप्टर है, टीडीएस एंड टीसीएस का एक चैप्टर है, टीडीएस टीसीएस का एक चैप्टर है बच्चे, हम पढ़ेंगे। सेक्शन 192 से शुरू होता है वो, सेक्शन 192 से स्टार्ट होता है टीडीएस का चैप्टर, तो ये सब चीज पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन जबकि अभी आया हम बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो जब देखिए अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ये अगर फीस किसी को दिया जाएगा, अगर कोई बिजनेस करता है ये फीस अगर किसी को दिया गया, ठीक है, तो ये तो बिजनेस जो कर रहा है उसके लिए तो खर्चा। अब जो बिजनेस कर रहा है वो जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा बच्चे, वो अपना जब पीएल बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएगा, तो वो यहाँ पे टू टेक्निकल फीस के नाम से क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा कितना बच्चे, 5 लाख रिकॉर्ड करेगा, तब जाकर उसका नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। हाँ सर। देखिए बच्चे, जब आपने टीडीएस नहीं काटा ना, नॉन प्रेसिडेंट को फी पेमेंट करते टाइम नहीं काटा, तो ये डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आया? ऐसा बात है वो। हाँ सर। तो वो यही बात बोला है, और एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। इन इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज पेबल आउटसाइड इंडिया इन इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट और नॉन कॉर्पोरेट और टू ए फॉरेन कंपनी ऑन व्हिच, जिसके ऊपर टैक्स इज डिडक्टेबल, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, जिस जो पेमेंट करोगे उससे टैक्स डिडक्ट करना चाहिए, टैक्स डिडक्ट करना चाहिए जो चैप्टर 17B के अनुसार होगा, 17B के तहत होगा। ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, अगर आपने डिडक्ट किया ही नहीं है, और आफ्टर डिडक्शन अगर आपने डिडक्ट कर लिया, हैज नॉट बीन पेड और ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन। मतलब क्या बोलता है, आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया, करने के बाद गवर्नमेंट का अकाउंट में अगर डिपॉजिट नहीं किया ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट इसका भी, यहाँ डिपॉजिट जो करना होता है ना बच्चे, इसका ड्यू डेट भी होता है, ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। समझ में आई? तो डिपॉजिट अगर आपने 50,000 आपने डिडक्ट कर लिया नॉन रेजिडेंट से, बट आपने डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट का अकाउंट में, तो तब भी डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। दो बात याद रखेंगे, इधर आपने डिडक्ट ही नहीं किया, अगर आपने डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं किया, ये दोनों केस पे जो है डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। समझ में आई? तो आपको डिडक्ट भी करना है और जो अकाउंट में डिपॉजिट भी करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न। तो आप बोलोगे सर ड्यू डेट क्या है, बच्चे मैं ड्यू डेट यहां पे बताऊंगा आपको ड्यू डेट क्या है, बट आप इतना याद रखिए, ठीक है, टीडीएस का डिपॉजिट का जो ड्यू डेट होता है वो बच्चे मंथली होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, नो टेंशन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट बात को, उसके बाद क्या रहा,
अब आते हैं, ये था नॉन रेजिडेंट का बात। अगर आपने नॉन रेजिडेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये होता है किसका बात, नॉन रेजिडेंट का बात बोलता है। अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पे किया तो आपको TDS डिडक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद अब आते हैं, अगर आप कोई पैसा, अगर कोई पैसा पेमेंट किया, अब किस मतलब यहाँ जो बात था अब यहाँ भी वही लिखेगा, एनी सम, सम मतलब सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कोई भी खर्चा, पेबल टू एन रेसिडेंट। अब यहाँ पर जो बात बोलेगा किसका बात बोलेगा बच्चे, रेसिडेंट का बात बोलेगा, ठीक है। अगर आपने कोई रेसिडेंट को पे किया है जिस पर टैक्स डिडक्ट करना चाहिए, वही 17B के तहत, शैल बी डिसअलाउड इफ, अगर इफ सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, सच टैक्स आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1). तो क्या हुआ है, अगर आपने कोई रेसिडेंट को पैसा दिए, रेसिडेंट को पैसा दिए, तो अब देखो मैं बता देता हूं, मान लीजिए आप किसी रेसिडेंट पर्सन को आपने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट किया, ठीक है, बता देता हूं कि आपने किसी रेसिडेंट पर्सन को क्या पेमेंट किया बच्चे, सैलरी पेमेंट किया। बच्चे जब सैलरी पेमेंट करोगे, मान लो TDS कब एप्लीकेबल होगा इसका, जब सेक्शन 192 में ये बात लिखा है, मैं जो अभी बात बताने जा रहा हूं, अगर किसी इंडिविजुअल का जो सैलरी है पूरा पर एनम का, अगर जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो क्या है, जैसे कि 250,000 है, याद है आपको, जैसे कि 300,000 है, ठीक है, ये सब जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो हम स्टार्टिंग का चैप्टर में पढ़े थे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000, 300,000 और 500,000, ये सब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अब एप्लीकेबल होता है कौन, मतलब 60 ईयर से ज़्यादा का है बट 80 ईयर से कम, कौन 80 ईयर से ज़्यादा का है, तो ये सब पर डिपेंड करता है। तो उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये होता है, मान लीजिए एक इंसान है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका एज है 45 एज का है, ठीक है, उसको कोई कंपनी जो है, कोई कंपनी जो है, बिजनेस एंटिटी जो है, उसको सैलरी देते हैं बच्चे, कितना मानकर चलते हैं, कितना सैलरी देते होंगे, मानकर चलते हैं 500,000, मानकर चलो 500,000। अब बताओ बच्चे, एज अगर 45 ही है तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना होता है, इनका बेसिक एग्जेम्पशन जो लिमिट होता है ये कितना होता है, 250,000, 250,000 एक्सीड कर गया, तो अब ये कंपनी का जिम्मेदारी है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये सैलरी पे करेंगे ना किसको, एम्प्लॉय को, तो वो TDS क्या करेंगे, डिडक्ट करके रखेंगे। मान लीजिए जो मंथली जो सैलरी डिपॉजिट किया जाएगा, मंथली सैलरी जो होता है जब पे किया जाएगा, तो उस टाइम पे तो क्या करना है, डिपॉजिट करना है, क्या TDS डिडक्ट करना है और डिपॉजिट करना है। मान लीजिए उनका मंथली सैलरी 41,600 ऐसा, तो इससे तो क्या होगा, हमेशा 10% हर मंथ उनका मंथली सैलरी होगा कितना, 41,600, तो इसका 10% कितना होता है बच्चे, 4,160। इतना क्या करना है, गवर्नमेंट का अकाउंट को डिपॉजिट करना है। मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर TDS का चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर देखा जाएगा सारा बात। तो 4,160 हर मंथ, जब मंथ में पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने से पहले तो क्या करना होगा, TDS डिडक्ट करना होगा और इसे डिपॉजिट भी करना होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। हाँ, तो अगर जहां पे TDS एप्लीकेबल है वहीं पे, मान लीजिए इनका सैलरी ही होता 500,000 नहीं, होकर होता बच्चे 200,000, क्या यहां से TDS काटना जरूरी था, नहीं, क्यों, क्योंकि उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा ही नहीं हो रहा है, समझ में ही ना बात। तो जहां पे TDS एप्लीकेबल है सर, TDS फिर एप्लीकेबल कहां पे, कैसे पता चलेगा बच्चे, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा TDS का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वो चैप्टर कितना कि कौन सा चैप्टर होता है, 17 वाला चैप्टर, 17B वाला चैप्टर है और सेक्शन 192 से शुरू होता है, तो वाला हमें चैप्टर जो है पढ़ना होगा, समझ में, तो आपको पता चल जाएगा कहां से TDS कितना कटना चाहिए। तो अब ये वाला जो सेक्शन बोलता है, तो यहां पे बोलता है TDS जहां पे कटना चाहिए, आपने TDS काटा नहीं, या TDS अगर आपने काटा तो क्या हुआ, ड्यू डेट से पहले आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस पे
उस केस पे। यहाँ तो पहले आपको बता दिया गया नॉन रेजिडेंट के केस में पूरा जो एक्सपेंसेस है डिसअलाउ, लेकिन रेसिडेंट का केस में थोड़ा अलग है। रेसिडेंट का केस में क्या है बच्चे, 70% विल बी अलाउड एंड 30% विल बी डिसअलाउड। मान लीजिए कि कंपनी ने सैलरी दिया कितना बच्चे उसका एक एम्प्लॉय को 5 लाख रुपया, उसको टीडीएस काटना चाहिए बट टीडीएस काटा नहीं कि डिपॉजिट भी नहीं किया, या टीडीएस काट भी लिया तो डिपॉजिट नहीं किया। तो अब यहाँ पर जब पीएल बनाया जाएगा बच्चे, तो इस पीएल में क्या होगा, अब यहाँ पर टू सैलरी जो लिखा जाएगा वो कितना बच्चे, तो 30% डिसअलाउ, तो 70% अलाउड, तो कितना होगा 3,50,000 एक्सपेंसेस आप दिखा सकते हो, ये 5 लाख जो है एक्सपेंसेस दिखा नहीं सकते, मतलब 30% जो है ये डिसअलाउ। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट का बात अगर किया जाए, यहाँ पर जो हम नॉन रेजिडेंट का बात करते थे यहाँ पर होल एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड, बट अगर रेसिडेंट का बात किया जाए 30% विल बी डिसअलाउड, ठीक है। 30% दैट 30% ऑफ एनी सम पेबल टू एन रेसिडेंट ऑन विच टैक्स डिडक्टेड टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर 17B शैल बी डिसअलाउड, डिसअलाउ कर दिया जाएगा इफ जब उन्होंने टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काटा तो डिपॉजिट नहीं किया ड्यू डेट के टाइम पे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिया है, आप अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ रेसिडेंट और नॉन रेजिडेंट का सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम लास्ट में हो सकेगा तो प्रॉब्लम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट अब हमने दोनों प्रोविजन हमने समझ लिया, ठीक है। अगर कुछ रेजिडेंट को पेमेंट होता है तो क्या टीडीएस कब नहीं काटे तो क्या होगा, अगर टीडीएस काटे तो डिपॉजिट नहीं किए तो क्या होगा, और उसके बाद में हमने क्या किया नॉन रेजिडेंट का देखा, टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट कर लिया तो डिपॉजिट ठीक टाइम पे नहीं किया तो क्या होगा, उसका सारा एक्सपेंसेस जो है डिसअलाउ माना जाता है, डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब चलो हम कुछ और एक सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो सेक्शन अभी पढ़ने वाले हैं सेक्शन 40 का जो क्लॉज बी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में सवाल आते हैं। ये क्या है सर जल्दी से हमको बताओ, सर जल्दी बताओ, ये है ये इन द केस ऑफ एनी फॉर्म, फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, असेसेबल एज सच, और नहीं तो फॉर्म यानी तो LLP का बात करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ओनली फॉर्म हो या LLP हो, द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते इस टाइम, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते समय ये जो सारा खर्चा है डिसअलाउ किया जाएगा, वो है क्या, रेमुनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर्स। रेमुनरेशन का मतलब कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, अगर एक नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है, वर्किंग पार्टनर को नहीं नॉन वर्किंग पार्टनर को, तो वो डिडक्शन जो है नहीं दिया जाएगा, नॉट बी अलाउड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, रेमुनरेशन टू ए वर्किंग पार्टनर, ए वर्किंग पार्टनर को दिया जाएगा लेकिन नॉट ऑथराइज्ड बाय डीड, उनका जो पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा नहीं है कि इन पार्टनर लोग को रेमुनरेशन दिया जाएगा, अगर डीड में है तो ठीक है, डीड में नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, नॉट ऑथराइज्ड बाय डीड। चलो सर ठीक है समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है रेमुनरेशन और इंटरेस्ट टू ए पार्टनर ऑथराइज्ड बाय डीड, अब देखो पार्टनर को दिया गया ऑथराइज्ड बाय डीड बट रिलेट्स टू एन अर्लियर पीरियड। सर ये समझ में नहीं आया, लो बताता हूं मैं क्या समझ में नहीं आया तुमको, लो ऐसा थोड़ी होता है आपको समझ में नहीं आएगा, आप इतने बड़े समझदार हो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसे। हाँ सर बात आप सही बोल रहे हो, हम तो समझदार, आप समझा दो हमको समझ में आ जाएगा। लो बच्चे ये एक डेट है, ये एक पीरियड है और ये एक पीरियड है, सुनिए इस पीरियड में बच्चे पार्टनरशिप यहां शुरू हो गया, बच्चे स्टार्ट हो गया, यहां से पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, लेकिन पार्टनरशिप कंटिन्यू करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, बट डीड बना, डीड जो बना बच्चे यहां से बना डीड, इससे पहले डीड नहीं था, यहां तक डीड नहीं था, यहां पर कोई डीड नहीं बना हुआ था, वर्किंग पार्टनर सारे के सारे वर्किंग पार्टनर हैं बच्चे, चलो मान लेते हैं, लेकिन उनके बीच में डीड नहीं बना था, समझ में आई बात। हाँ सर, लेकिन डीड बना इस डेट पे,
ठीक है, मैं यहाँ एक डेट डाल देता हूँ 1/4/2019, अच्छा लगा? हाँ सर अच्छा लगा। यहाँ पर एक डेट डालता हूँ 1/10/2019, ये एक साल 31 मार्च 2020, दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पर कोई डीड नहीं था बच्चे, डीड बना यहाँ से, ठीक। दो पार्टनर थे, एक था चुन्नू एक था मुन्नू, दो पार्टनर थे, दोनों ने अपना डीड में मेंशन किया हम जो 1000 रुपया ईच सैलरी लेंगे। कहाँ से लेंगे बच्चे? 1/4 से, 1/4/2019, ये भी लेगा 1/4/2019। तो इनको सैलरी कितना दिया गया होगा बच्चे? ये 12,000, 12 महीने का 12,000 पूरा लिए होंगे क्योंकि मार्च तक, 31 मार्च तक, और उसके बाद में ये भी पूरा का पूरा 1000 रुपया पर मंथ, ये भी 12,000 रुपया लिया होगा, ठीक। हाँ सर ठीक। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म अपना पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे टू सैलरी के नाम पे, चुन्नू का और मुन्नू का, कितना लिखेंगे? 12,000, 12,000, फिर बाकी जो आएगा नेट प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आती है? फिर बाद में आएगा क्या? नेट प्रॉफिट। क्या ये जो सार 12,000 रुपया दिया गया, क्या पूरा का पूरा अलाउबल है? नहीं। देखो क्यों ना बच्चे, 1/4 से लेकर ये जो 1/10 मतलब एक सॉरी एक ती, ये कहाँ गया? 30/9/2019, क्योंकि ये सितंबर का महीना है, ये अक्टूबर का महीना है, तो 30 अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो 6 मंथ है, यहाँ पर बच्चे डीड नहीं था बट फिर भी वो रेमुनरेशन लिए, बट डीड बना कब? नेक्स्ट 6 मंथ के लिए डीड बना। तो सिक्स, ये जो 6 मंथ का सैलरी जो है अलाउबल है, ये 6 मंथ का सैलरी जो है डिसअलाउ है। इसका मतलब जो सैलरी अलाउबल है बच्चे 6,000 और 6,000, ये बिल्कुल अलाउ नहीं। चुन्नू के लिए कितना और मुन्नू के लिए कितना बच्चे? 6,000 6,000 अलाउबल। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। तो यही बात लिखा था, देखो और एक बार पढ़ो। रेमुनरेशन और इंटरेस्ट टू ए पार्टनर ऑथराइज्ड बाय डीड, डीड ने ऑथराइज किया बट रिलेट्स टू एन अर्लियर पीरियड, जब डीड नहीं था तब से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ ऐसा है वह। चलो अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट का बात बोलता है। क्या है बच्चे? इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। हाँ सर देखो, सर ये कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पार्टनर लोग जो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट बोलता है कि डीड में होना चाहिए बच्चे। डीड में अगर है तो इंटरेस्ट ले सकते हैं, डीड में अगर नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं ले सकते, पहली बात। उसके बाद जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो मैक्सिमम क्या है? 12%। लेकिन अगर डीड में 12% से कम, डीड में लिखा है जो पार्टनर है चुन्नू मुन्नू, वो दोनों 10% 10% इंटरेस्ट लेंगे, उनका कैपिटल के ऊपर चलेगा? हाँ चलेगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर वो ऐसा डिसाइड कर लेंगे, अपना डीड में लिख लेंगे 14% 14% इंटरेस्ट लेंगे दोनों, तो 2% जो है वो डिसअलाउड है बच्चे। तो यहाँ क्या बोला? इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम, 12% से ज्यादा अगर दिया गया इंटरेस्ट किसको? पार्टनर को, वो डिसअलाउ है, 12% तक अलाउ। समझ में आई? लेकिन यहाँ आप डीड का बात नहीं लिखा, मतलब जो डीड में जितना मेंशन किया होगा उतना। देखो, एनी इंटरेस्ट पेमेंट ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग आफ्टर द डेट ऑफ सच डीड टू द एक्सटेंट सच इंटरेस्ट एक्सीड्स 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन हाँ, डीड में लिखा होना चाहिए ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, डीड में होना चाहिए। डीड में अगर नहीं है तो बिल्कुल इंटरेस्ट दे नहीं सकते, डीड में अगर है तो इंटरेस्ट दे सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 12%, ठीक। हाँ सर ठीक। तो अब देखो सर, सर इसको ना और एक बार बताओ ना सर, और थोड़ा एक बार बताओ ना। मैंने बोला लो बताता हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए कि कैपिटल जो है बच्चे वो कितना है, ए का और बी का, इसका है बच्चे 1,00,000
और इसका है बच्चे 2 लाख। डीड में लिखा है कितना, डीड में जो लिखा है वो है बच्चे कितना 10%, 10%। तो ये अलाव है, मतलब जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा बच्चे, जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन जब बनाया जाएगा टू इंटरेस्ट, ये 10% है, 10% है ना किसका, 1 लाख का, तो 10,000 इसका 20,000, ये अलाउबल है। लेकिन डीड में अगर ऐसा लिखा होता कि 14% और 14% ये ना लिखा होता, तो 14% 14%, तो क्या होता बच्चे, हम 12% तक ही लेते तो इसका मतलब ए का जो इंटरेस्ट हमको 12,000 लेना पड़ता और बी का 24,000 लेना पड़ता, इसलिए किसका 2 लाख। ठीक है, हम 14% नहीं ले सकते। ठीक, अगर डीड में बिल्कुल 0,0 बिल्कुल है ही नहीं, डीड में है ही नहीं तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ये पार्टनर्स, ये मैं इनकम टैक्स का रूल बता रहा हूँ बच्चे, इनकम टैक्स का रूल बता रहा हूँ मैं, समझ में आई बात? हाँ सर, समझ में आई। तो फिर अकाउंट का, यहाँ पे अकाउंट्स का नॉलेज मेरे पास मत लाना, मैं भाई अकाउंट्स नहीं जानता, ठीक है, थोड़ा बहुत जानता हूँ। आ जाओ अब नेक्स्ट बात में आते हैं, रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट। अब यहाँ प्रेस्क्राइब लिमिट जो दिया गया है उससे एक्सेस अगर दिए तो वो डिसअलाउ है, समझ में आई बात, समझ में आई? अच्छा चलो, क्या बोला, रेमुनरेशन टू ए वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट, यहाँ पे कुछ लिमिट दिया गया है, लेकिन हाँ फिर भी वही बात, ये यहाँ पर जो लिमिट दिया गया मैं अभी समझाऊंगा, ये जो है डीड में होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में नहीं। हाँ क्या हो रहा है बताता हूँ, हाँ कॉपी कहाँ गया, यहाँ पे कॉपी, सुनिए, लिमिट से पहले ये जो लिमिट यहाँ पे दिया, ये बात पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए सर, पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। पार्ट जो रेमुनरेशन का बात बोलता है, जो सैलरी दिया जाएगा, हमने इंटरेस्ट का बात देखा, पहला पॉइंट में हमने क्या देखा, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, पहला पार्ट में हमने देखा रेमुनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर को नहीं दिया जाता है। अच्छा, रेमुनरेशन अगर वर्किंग पार्टनर को दिया जाएगा वो डीड में होना चाहिए, अगर डीड में नहीं है तो रेमुनरेशन नहीं दिया जा सकता। पहला बात बोला नॉन वर्किंग को दिया नहीं जाएगा, दूसरा बोला डीड में अगर नहीं है रेमुनरेशन दिया जाएगा, डीड में कितना देना चाहिए रेमुनरेशन, वो डीड में होगा तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, रेमुनरेशन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। उसके बाद डीड से पहले, डीड बना एक डेट पे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाया अभी, यहाँ पर ये रहा जो मैं बोला कि डीड से, डीड बनने से पहले का पीरियड अगर है, वहां पर डीड बनने से पहले का जो रेमुनरेशन है वो रेमुनरेशन अगर पार्टनर लोग लिए हैं तो डिसअलाउ माना जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इंटरेस्ट का बात बोला। अब रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, रेमुनरेशन का मतलब हमने समझा क्या, रेमुनरेशन का मतलब सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी बोलो, उसको सैलरी बोलो, बोनस बोलो, कमीशन बोलो, रेमुनरेशन के नाम से जो भी दिया जाए वो सबको हम क्या बोलेंगे, ये सैलरी बोनस कमीशन, ये सबको हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड में रेमुनरेशन बोलेंगे। अब रेमुनरेशन अगर मान लीजिए वर्किंग पार्टनर है और डीड में भी मेंशन है, अब रेमुनरेशन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, रेमुनरेशन दिया भी जाएगा तो कितना दिया जाएगा, अब देखिए, अब यहां पे वो लिमिट बोला है आप रेमुनरेशन कितना दे सकते हो। ठीक, पहला बोला बुक प्रॉफिट का, पहले बुक प्रॉफिट बोला और यहां पे क्वांटम कितना दिया जाएगा, ऑन द फर्स्ट ₹3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, देखिए अगर लॉस भी है तो रेमुनरेशन आप भी दे सकते हो, अगर लॉस है प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, यहां नेट प्रॉफिट नहीं है बच्चे, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर बुक प्रॉफिट है सर, मैंने बोला जी
सर नेट प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है सर, बोलिए, बताता हूँ, अभी बताऊंगा, पहले ये तो समझ लो। बोला फर्स्ट रुपीज 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट ऑन इन केस ऑफ लॉस, अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है या लॉस है तो रेमुनरेशन जो दिया जाएगा बच्चे रुपीज 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। फिर उसके बाद बोलते हैं ऑन द बैलेंस, अगर 3 लाख से ज्यादा का बुक प्रॉफिट है तो ज्यादा अमाउंट के ऊपर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट जो है वो सैलरी दिया जाएगा, मैक्सिमम सैलरी ये होता है। सर एग्जाम्पल देकर समझाओ, लो समझाते हैं। मान लीजिए बुक प्रॉफिट, मान लीजिए बुक प्रॉफिट वो कितना है, बुक प्रॉफिट है मान लीजिए बच्चे 5 लाख, इतना है ठीक है। तो देखो बच्चे क्या किया जाएगा, सबसे पहले 3 लाख तक का जो बुक प्रॉफिट है इसका क्या बोला था, 90% और रुपीज 1,50,000 कितना हुआ, 1,50,000, ये कितना हुआ 2,70,000 और ये हो गया रुपीज 1,50,000। इसमें से विच एवर इज हायर बोला था, इसमें से विच एवर इज हायर कितना होगा बच्चे 2,70,000 ठीक, 2,70,000 ये होगा विच एवर इज हायर। प्लस जो 3 लाख से ज्यादा का बुक प्रॉफिट अगर हुआ तो यहां पर बुक प्रॉफिट कितना दिया गया 5 लाख, तो 3 लाख से ज्यादा का बुक प्रॉफिट कितना होता है बच्चे 2 लाख। ये जो 2 लाख है जितना भी रिमेनिंग बुक प्रॉफिट रहा 3 लाख से अबव का उसका 60% वो कितना 1,80,000 बच्चे, ये 2,70,000 प्लस 1,80,000 तो कितना हो गया बोलो, तो कितना हुआ 4,50,000 ठीक है बच्चे। ये रहा मैक्सिमम रेमुनरेशन जो पे किया जाएगा। सर सर मैंने बोला जी जी सर, ये जो 4,50,000 रेमुनरेशन है एक पार्टनर के लिए या सारे पार्टनर के लिए? सारे पार्टनर के लिए, चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, वो सब पार्टनर को जितना आप रेमुनरेशन, मान लीजिए ए अच्छा नहीं लग रहा है ना, चुन्नू मुन्नू गुन्नू, मान लीजिए तीन पार्टनर है, ये तीन पार्टनर का इसका मंथली सैलरी कितना होता है मान लीजिए बच्चे 20,000, और इसका होता है बच्चे 30,000, और इसका होता है बच्चे 40,000, तो 12 महीने का कितना होगा बच्चे बोलो ना, मैं बोलता हूं सुनो, तो ये जो टोटल होता है मैंने कैलकुलेट किया 10,80,000 होता है ठीक है, 10,80,000। बट आप जब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे, मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, दिख रहा है दोनों चीज, हाँ सर अब दिखा, हाँ अब दिखा ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ में, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म अपने तरीके से तो यहां पर टू सैलरी ले लेंगे 10,80,000, 10,80,000 उनका आता ले लेंगे 10,80,000, लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर ये जो खर्चा डाला जाएगा 10,80,000 नहीं, मैक्सिमम क्या बोला था बच्चे, मैक्सिमम कितना आया था 4,50,000, समझ में आई? तो ये बच्चे जो है डिसअलाउ, और 4,50,000 जो है ये खर्चा अलाउबल होगा। सर तो यहां पे डिसअलाउ कितना हो गया बच्चे, 10,80,000 से 4,50,000 को माइनस कर दो तो आएगा कितना, 6,30,000 है
ये हो गया बच्चों डिसअलाउ। हम तो इसी चीज का सेक्शन पढ़ रहे, इसी मतलब यही डिसअलाउ का सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन का स्टार्टिंग में क्या था बच्चे, इन एडमिसेबल डिडक्शन। अगर नहीं देखे तो और एक बार मैं आपको दिखा रहा, क्या था बच्चे, इन एडमिसेबल डिडक्शन था, समझ में, जो सेक्शन 40 में है। ठीक है, तो हमको सारा चीज पढ़ना होगा, हमको सारा चीज पढ़ना होगा कि एक्चुअल खर्चा कितना, इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो, और डिसअलाउ कितना। ठीक है ना? हाँ सर, समझ में आया। तो सर सर मैंने बोला जी जी सर, ये जो 450,000 रुपया आया ये बुक प्रॉफिट के हिसाब से आया ना? मैंने बोला हाँ बच्चे, ये बुक प्रॉफिट के हिसाब से आया। सर सर मैंने बोला जी जी सर, ये 450,000 ज्यादा, मतलब 450,000 मैक्सिमम रेमुनरेशन टू बी अलाउ टू ऑल द पार्टनर्स? मैंने बोला हाँ सर। मान लीजिए अगर ये 1,80,000 जो एक्चुअल में रेमुनरेशन दिया गया है चुन्नू मुन्नू और गुन्नू को, ये सब 1,80,000 ना होता, मान लीजिए सर, मान लीजिए। मैंने बोला हाँ बच्चे, मैं आपका बात कैसे नहीं मान सकता, मैं मान सकता हूँ। अगर 1,80,000 नहीं होता और ये होता सर 410,000, 410,000, तो सर ये डेट के हिसाब से आया 410,000, और ये इनकम टैक्स का, टैक्स का एक्ट में जो सेक्शन 40 क्लॉज बी में जो लिखा था, जो उसके हिसाब से जो लिमिट दिया हुआ था, उस सेक्शन में जो लिमिट दिया गया था, वो लिमिट के हिसाब से आया बच्चे कितना, 450,000। तो सर डीड में कम आया मान लीजिए, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये ज्यादा आया, तो हम ये दोनों में किसको लें बच्चे? ये आपको 410,000 लेना होगा। यहाँ पर जो आपको डिडक्शन इनकम टैक्स के हिसाब से शो करना है, आपको कितना शो करना है, 410,000। समझ में आई बात? हाँ सर। तो आपको समझना है अभी कि बुक प्रॉफिट किसे बोला जाता है।